बार बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की जल्द घोषणा हो सकती है। दिल्ली में लगातार यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष पर मंथन हो रहा है और यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं, कई नाम जुड़ चुके हैं। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम है, निर्मल खत्री का नाम भी इसमें शामिल है, पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी के नाम को भी शामिल किया गया है। जबकि दिल्ली में हो रही बैठक में यूपी को चार जोन में बांटकर सबके अलग अलग अध्यक्ष बनाने पर भी सुझाव दिया गया है। और क्या ये प्रक्रिया इस तरीके की होती है, ये भी देखना होगा। हालांकि तमाम जो नाम चल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष को लेकर लगातार मंथन तो कर रही है लेकिन नामों का ऐलान अब तक नहीं हो पा रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। देखिए बिल्कुल लगातार आपने देखा जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अजय लल्लू जो चुनाव भी हार गए थे उनको उनके पद से हटाया गया। तो कई राज्यों में हमने देखा अध्यक्षों को हटाया गया। अब नए नाम पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में ये मंथन हो रहा है। खुद प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो इन बैठकों में शामिल हो रही है। तो एक प्रस्ताव उसमें ये दिया है कि यूपी को चार अलग अलग जोन में बांटा जाए, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, तो इन रीजन में बांट दिया जाए और चार अलग अलग अध्यक्ष बनाए जाए। और एक सुझाव ये आया है कि पूरा यूपी एक ही रहे जैसे पहले जो व्यवस्था थी और उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष और बाकी वो लोगों को काम अपनी तरफ से बांटे। तो उनमें जो चार नाम आया उसमें एक आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम आया जो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे राजनाथ सिंह के खिलाफ 2019 में। क्योंकि वो खुद एक धर्म गुरु है तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं जो उसकी नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं। साथ ही साथ पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे और उनके नेतृत्व में सरकार भी वहां बनी उनका भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा निर्मल खत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उनका भी नाम चर्चा में। और एक महत्वपूर्ण नाम है प्रमोद तिवारी का, लंबा एक्सपीरियंस है उनका, विधानसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, तमाम जगहों पर रहे, जब कांग्रेस की सरकार थी मंत्री थे, तो उनका भी नाम है। अब देखिए ये तय करना है, जो कांग्रेस आला कमान है उसको तय करना है कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये जरूर है कि जल्द उसकी घोषणा हो सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और अब बात यूपी में लाउड स्पीकर्स की कर लेते हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने पर यूपी में रिकॉर्ड कार्रवाई हो रही है। कई जगह मस्जिद में मौलाना और मंदिर के धर्मगुरु खुद लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब तक 10,000 अवैध लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। 29,674 लाउड स्पीकर की आवाज कम भी की गई है। मेरठ की अगर बात करते हैं 1,215 लाउड स्पीकर हटाए गए। बरेली में 1,070 लाउड स्पीकर जो की हटा दिए गए। लखनऊ में इसकी संख्या 912 है जहां पर लाउड स्पीकर हटा दिए गए। कानपुर में 1,056 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। तो किस तरीके की कार्यवाही हो रही है वो देख लीजिए। 1,366 लाउड स्पीकर वाराणसी में हटा दिए गए। प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि 30 अप्रैल तक अवैध लाउड स्पीकर हटाए जाने के लिए रिपोर्ट देनी होगी कि कितने आखिर लाउड स्पीकर अब तक उत्तर प्रदेश में हटाए गए। और देखिए 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर अब तक हटा दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि खुद मस्जिदों में मौलाना और मंदिरों में जो धर्म गुरु हैं वो खुद आगे बढ़ रहे हैं लाउड स्पीकर को हटाने के लिए। किसी भी तरीके का विवाद नहीं है, सहयोग हर जगह दिखाई दे रहा है। जहां पर थोड़ी बहुत नाराजगी दिखी भी वहां पर समझाया जा रहा है लोगों को कि ये नियम है और इसे मानना बहुत जरूरी है। अनुभव मेरे सहयोगी अब लाइव मौजूद है हमारे साथ। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यवाही हो रही है लाउड स्पीकर हटाने की और अच्छी बात है कि सभी का सहयोग भी मिल रहा है, चाहे मस्जिद की बात करें मंदिर की बात करें। और अब तक 10,000 अवैध लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। किस तरीके से ये कार्यवाही आगे बढ़ रही है क्योंकि 30 तारीख तक रिपोर्ट भी देनी है। देखिए बिल्कुल, कल जब बैठक हुई मुख्यमंत्री ने जो बैठक की वीसी की उसमें भी ये निर्देश दिया कि जिस तरीके से अभी तक जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जहाँ पर आवाज़ कम कराई जा रही है उसमें और तेज़ी लाएं। और अगर हम आपको जानकारी दें अपने दर्शकों को तो कल रात तक तकरीबन 11,000 धार्मिक स्थल जो है वहाँ से लाउड स्पीकर जो है वो हटाए गए पूरे प्रदेश में।
और इसके अलावा 35,000 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर लाउडस्पीकर की आवाज को धीमे किया गया है जी। और इसमें सबका साथ मिल रहा है, चाहे हम कहें मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, सभी इसमें साथ दे रहे हैं। और लगातार जो पुलिस के अफसर हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं। कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर जो रिस्पॉन्स है वो सबका बहुत अच्छा है, और आगे भी जो पुलिस के अफसर हैं वो अलग अलग धर्मगुरुओं से बात करें और सबको बताएं कि ये किस तरीके से अगर लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़्यादा रहती है। क्योंकि देखिए, हाईकोर्ट ने 2017 में एक फैसला सुनाया था और उसमें ये कहा था हर एक क्षेत्र की, जहाँ पर आप देखिए अगर आवासीय क्षेत्र है तो वहाँ लाउडस्पीकर का क्या डेसिमल होना चाहिए, कितनी आवाज़ होनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तृत गाइडलाइन दी थी और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगर 11,000 लाउडस्पीकर अगर अभी तक उतरे हैं तो जाहिर सी बात है सब लोग इसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा जगहों पर तो लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, मंदिर हो, मस्जिद हो, आपको लोग दिख जाएंगे जो लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। और साथ ही साथ कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देखिए, जो अगर हम कहें जो पुरानी जगह है वहाँ पर तो लाउडस्पीकर ठीक है, एक सीमित जो उसका डेसिबल है उसी के हिसाब से उसको बजाया जाए, लेकिन जो नए निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर कहीं भी लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ना दी जाए। तो एक तरीके से जो शोर होता था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का जो सरकार ने ये अभियान चलाया है, उस वो अभियान हमें बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो सक्सेस होता दिख रहा है और सभी लोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 30 तारीख को रिपोर्ट फिरंगी महली सामने रखी जाएगी अनुभव, तो देखना होगा कि आखिर इनकी संख्या कितनी है लाउडस्पीकर हटाने की। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी। आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन लाउड स्पीकर को लेकर एबीपी गंगा ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात की है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर हटाने के लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी क्या कुछ बातचीत हुई है सुनिए। एबीपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है एबीपी गंगा जी। सर लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चल रहा है, कितना अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए मुख्यमंत्री जी ने पहले अभी कुछ ही समय पहले एक वीसी ली थी सभी वरिष्ठ अधिकारियों की, कमिश्नर्स की, एडीजीज की, आईजीज की। उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितने भी हमारे पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो धर्म गुरुओं से संवाद बनाकर त्योहारों को बहुत ही अच्छे से मनाने के लिए, त्योहारों को जो है भव्य रूप से मनाने के लिए बैठक करें। 24 घंटे में बैठक आयोजित हुई और पूरे प्रदेश के हर जनपद में इन बैठकों का काफ़ी लाभ मिला। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया था कि जो भी कानून है प्रदेश का लाउडस्पीकर के संबंध में उस कानून का पालन हो। आपने खुद देखा कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर से लाउडस्पीकर उतार लिए गए, आपने खुद ही देखा और भी जगहों पर जो है जहाँ जहाँ इस पर कार्य हुआ तो मंदिरों से, मस्जिदों से, अन्य धर्म स्थलों से जो है लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर उनकी साउंड जो है निर्धारित मात्रा में कर दी गई। अब तक जो कल तक की सूचना थी लगभग 20,000 से 25,000 जगहों पर ये काम हुआ है। हर जनपद में ये काम तेजी से हो रहा है और संवाद बनाकर सहयोग करके जो है इस काम को किया जा रहा है, जिससे कि स्वेच्छा से लोग कानून का पालन करें और उसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और 30 अप्रैल यानी जो लास्ट डेट है उसके पहले पहले ये लाउड स्पीकर की जो जहां पर जो परमिसिबल लिमिट है वो कर दी जाएगी या फिर जो आपसी सहमति से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो अपने संबंधित थाने में शिकायत कर सकता है। अपने सभी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी बीपी गंगा। तो हटाए गए लाउड स्पीकर्स की संख्या कितनी है इसकी जानकारी अवनीश अवस्थी दे रहे थे। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिन ब दिन ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं, हर दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और 30 तारीख को जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो देखना होगा कि ये फाइनल आंकड़ा क्या है। आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में पुलिस ने हिंदू योद्धा परिवार नाम से एक संस्था पर लाउडस्पीकर्स के संबंध में कार्रवाई की। दरअसल हिंदू योद्धा परिवार की ओर से हिंदू नव वर्ष पर एक मुहिम शुरू की गई जिसमें हिंदू योद्धा परिवार सहारनपुर के हर उस मंदिर जिस पर लाउड स्पीकर नहीं है उन मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की शुरुआत कर रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने संस्था के अध्यक्ष चौधरी विश्व सिंह कंबोज को गिरफ्तार किया। वहीं धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्यवाही के बाद अब रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की कवायद शुरू की गई है। और आगरा रेल मंडल में कई मंदिर और मस्जिद मजारों को नोटिस जारी किया गया है। राजा मंडी रेलवे स्टेशन स्थित चामुंडा देवी मंदिर को शिफ्ट करने का मंदिर प्रशासन को नोटिस जारी हुआ है।
जबकि कैंट रेलवे स्टेशन पर बने बाबा भूरेश शाह मजार को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। नूरी मस्जिद के इमाम से भी मस्जिद शिफ्ट करने को नोटिस दिया गया है। तो देखिए, पहले लाउड स्पीकर्स को हटाने के निर्देश थे और अब ये कार्यवाही शुरू की गई है कि धार्मिक स्थलों पर अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे भी हटाना होगा। आगरा से संवाददाता नितिन उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी देने के लिए, क्योंकि नितिन, हम लगातार देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और इसमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन अब धार्मिक स्थलों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। तो नितिन का रुख करेंगे, लेकिन लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर के बाद अब धार्मिक स्थलों की बारी है और आगरा रेल मंडल ने नोटिस जारी किया है। चामुंडा देवी मंदिर को शिफ्ट करने का ये नोटिस है। इसके अलावा भूरेशाह मजार को भी हटाने का नोटिस जारी हुआ है। नूरी मस्जिद के इमाम को भी जारी किया गया है नोटिस। तो लाउड स्पीकर्स हटाने में तो सहयोग मिल रहे हैं, लेकिन क्या धार्मिक स्थलों को जब शिफ्ट करने की बारी है तो इसमें लोगों का सहयोग मिलेगा, ये देखना होगा। और देखिए, कहां कहां पर अब तक नोटिस दिया गया है तो वो हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों की बारी है और ऐसे में किन किन जगहों पर धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया गया उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। आगरा में ये अब तक नोटिस जारी हुए हैं रेल मंडल की तरफ से, जहां पर चामुंडा मंदिर को हटाने का नोटिस है। इसके अलावा एक मजार को हटाने का नोटिस है और देखना होगा कि कितना सहयोग लोगों का मिलता है। आगरा रेलवे मंडल की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, नोटिस जारी किया गया है, कुछ समय दिया गया है कि आप इस तय समय में धार्मिक स्थल को शिफ्ट कर दें। और अब तक लगातार हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है, जहां पर मंदिर मस्जिद हर जगह पर सहयोग दिखाई दे रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, क्योंकि लाउड स्पीकर्स को हटाने में सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन क्या धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने की जब बारी है और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है तो क्या इसमें सहयोग मिलेगा? रेल, जो आगरा रेल मंडल है उसकी तरफ से कार्यवाही की गई है, नोटिस भी जारी किया गया है, तो विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए, आगरा रेल मंडल की तरफ से जो आनंद स्वरूप हैं DRM, उन्होंने कई सारे ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जो आगरा रेल मंडल में आते हैं, उनको नोटिस जारी किया है। और उन्होंने, उनके मुताबिक ये पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि ये रेलवे लाइन पर, प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर है, तो कहीं ना कहीं इससे जो रेलवे की जो कहा जाए जो पूरी मैकेनिज्म है वो प्रभावित हो रही है। मैं राजामंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, उनका कहना है कि ये शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस का कहीं ना कहीं पूरी तरह से इससे कहीं ना कहीं उसका कहा जाए उल्लंघन हो रहा है। ये चामुंडा देवी मंदिर है, काफ़ी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, इसका 72 वर्ग मीटर का जो हिस्सा है उसको उन्होंने अवैध बताया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये पूरा जो कहा जाए ये मंदिर है चामुंडा देवी का, सैकड़ों साल प्राचीन मंदिर है। ना केवल चामुंडा देवी मंदिर बल्कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जो बाबा भूरे शाह की मजार है उसको भी हटाने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जो कहा जाए गीतेश्वर मंदिर है उसको भी हटाने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जो नूरी मस्जिद है उनके इमाम को भी नोटिस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर और मस्जिद दोनों को नोटिस जारी किया गया, उसके लिए कहा गया कि ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं। तमाम लोग अब इसमें आंदोलन बन रहा है आगरा में, तमाम लोग हमारे साथ बात करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपने कहा है कि एक इंच भी नहीं सकने देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अभी भी सत्ता के शीर्ष स्तर पर स्थापित हैं और उनकी ये भावना रही है शुरू से कि हिंदुओं की कैसे भावना आहत की जाए, और उसी का षड्यंत्र के तहत यहाँ पर ये हजारों वर्ष पुराना जो चामुंडा देवी का जो मंदिर है इसे यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोगों ने, हिंदू परिषद बजरंग दल ने, तो यह प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर इस मंदिर के अंदर खरोच भी आई तो जो भी शहर की फिजा बिगड़ेगी उसके रेलवे प्रशासन जिम्मेदार। समझ सकते हैं DRM आगरा ने ये ट्वीट करके चेतावनी दी है, या आप इस मंदिर को हटाइए नहीं तो हमको राजामंडी रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीड है ट्रेन की वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब मंदिर की वजह से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेन यहां से होकर नहीं गुजर पाती है। लेकिन एक तरफ कहा जाए डेवलपमेंट का मुद्दा है, एक तरफ रेलवे की प्रॉपर फंक्शनिंग का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ लोगों की आस्था का मुद्दा है, और ऐसे में अब फैसला सरकार को लेना। आप बताइए, आप लोग सालों से आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर, बिल्कुल प्राचीन सिद्ध मंदिर है। जब अंग्रेजों के जमाने में इस मंदिर की स्थापना हुई थी उससे पहले राजामंडी बाजार में ये मंदिर था, क्योंकि मंदिर का जो पीपल का पेड़ आप पीछे देख रहे हैं 150 साल पुराना था ये पेड़ ही है।
उसके बाद ये स्थान मोड़ा गया रेलवे लाइन के लिए। मंदिर प्राचीन है, इसके इतिहास सभी को पता है। डीआरएम ने गलत तरीके से नोटिस जारी किया, उन्होंने क्षेत्र के और मंदिर कमेटी के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया। 10 दिन का नोटिस तानाशाही तरीके से जारी किया। क्या कहना चाहिए? मैं इस प्रबंधीय सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 25 वर्ष से। इसी तरह का एक नोटिस 2011 में दिया गया था, ये सारे सबूत मेरे पास हैं। उस समय माननीय जी हाँ जी हाँ जी हाँ एक एक नजर आ रहा है, ये है नोटिस की कॉपी, आप देखिएगा जो उन्होंने भेजा है। 2011 में जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब माननीय ACM थर्ड राजेंद्र अग्रवाल ने दिया, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि यहाँ किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जग जाहिर है। देखिए सवाल ये भी है, देखिए सवाल ये भी है कि कोई ये भी नहीं है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है या कुछ, उनका कहना है कि जो कि पूरी तरह से उसमें अतिक्रमण में आ रहा है। हम बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं, यहाँ धर्म का कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं एक बात मंदिरों को दिया जा रहा है तो मस्जिदों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बस आपके माध्यम से DRM महोदय से पूछना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, पब्लिक तो सुनी रही है कि क्या प्लेटफॉर्म बनाते समय रेलवे को ये पता था कि यहाँ मंदिर बनाया जाएगा? इसका मतलब है कि रेलवे का चबूतरा, इसका मंदिर का चबूतरा पहले से मौजूद था, उस चबूतरे को छोड़ करके प्लेटफॉर्म बनाया गया। आप देखिए ये जो ठीक है ना, ये सबके बाउंड्री ये रेलवे के और देखिए ये भावना से जुड़ा हुआ बिल्कुल मुद्दा है। और इसीलिए अब क्या आगे इसमें सहयोग मिलता है, क्योंकि 10 दिन का समय है और उस 10 दिनों में किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी उसको भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि सहारनपुर से है। अम्बेहटा पीर में तालाब में फिसलकर गिरी बच्ची और CCTV कैमरे में कैद हुई है घटना। ये देखिए वो CCTV फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। गोताखोरों को अब तक सफलता नहीं मिली है, बच्ची हादसे का शिकार हो गई। CCTV फुटेज लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बच्ची के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। खेलते हुए बच्ची तालाब के पास पहुंच जाती है, पैर फिसलता है, बच्ची तालाब में गिरती है और अब तक बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं।